हाय स्टूडेंट, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है कोनीफेरस अल्पाइन एंड बोरियल फॉरेस्ट। स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक आपको मैंने बताया है इंतहाई आसान और सिंपल सा टॉपिक है। सबसे पहले ये है कि भाई कोनीफेरस जो वर्ड है ना, कोनी मीन कोन है और फिरस मीन फर है, ठीक है। हमारे पास ये ऐसे जंगलात हैं, जैसा कि मैं आपको बताऊं, फॉरेस्ट का मीन जंगलात है, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया भी था। अगर यहाँ पे ना मैं आपको एक ट्री बना के दूं, ये मेरे पास एक ट्री है, जब भी हम इस ट्री को देखेंगे, इस ट्री में आपने जो चीज़ देखनी है क्या है, ये देखिएगा। ये देखें, मेरे पास ये जो ट्री है ना, दूर से देखने से ये कोन सी लग रही है। इसकी शेप कोन की तरह की है, इसको हम बोलते हैं कोनीफर। इसके पत्ते जो है बारीक बारीक नीडल की तरह के होते हैं, तो इसको हम कहते हैं कोनीफर, ठीक है। आपने क्रिसमस ट्री को देखा हो तो उसको भी, वो भी इसी तरह का नज़र आता है, क्रिसमस ट्री। तो इसी वजह से हम जो है इसको हम बोलते हैं कोनीफेरस। अब कोनीफेरस जंगलात दो तरह के हैं, कभी उसको बोलेंगे कोनीफेरस अल्पाइन और कभी उसको बोलते हैं कोनीफेरस बोरियल। इनको मैं डिस्कस करता हूँ। एक स्टूडेंट, आपको ये चीज़ मैं बता दूँ कि इस लेक्चर के अंदर ना, सबसे पहले हमारी जो हेडिंग होगी वो है रीजन। इस लेक्चर में मैं बताऊँगा कि भाई कोनीफेरस जो है किस रीजन में पाए जाते हैं, और हमारे पास रीजन में ये सारी बातें करने के बाद सेकेंड नंबर पे हम वहाँ पे स्नो के बारे में और वहाँ के टेम्परेचर के बारे में डिस्कस करेंगे, और थर्ड नंबर पे वहाँ पे हम एनिमल्स को डिस्कस करेंगे, और एनिमल्स के बाद फोर नंबर पे हम ह्यूमन इम्पैक्ट को स्टडी करेंगे। तो ये तमाम बातें हैं जिनको स्टूडेंट मैंने आपके साथ अभी शेयर करना है। लें जी, सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि भाई कोनीफेरस जंगलात जो हैं वो पाकिस्तान में कहाँ पर पाए जाते हैं, और पाकिस्तान के बाद फिर वर्ल्ड में कहाँ पे पाए जाते हैं, दुनिया में कहाँ पे पाए जाते हैं। स्टूडेंट, जब भी आप पाकिस्तान की बात करते हैं तो कागान केपीके में है, दीर केपीके में है, चलास गिलगित बल्तिस्तान में है, मालम जब्बा सबात केपीके में है। ये जितने भी हमारे पास इलाके हैं, ये जितने भी रीजन हैं, इसका मतलब है कि जो आपके कोनीफेरस अल्पाइन एंड बोरियल फॉरेस्ट है, ये ज़्यादातर केपीके में पाए जाते हैं, खैबर पख्तूनख्वा में, और कुछ जो है, कुछ इसका हिस्सा जो है वो चिलास में इनके गिलगित बल्तिस्तान में पाया जाता है। तो अब पाकिस्तान के बाद अगर हम इसको देखते हैं वर्ल्ड में, दुनिया में, तो दुनिया में कहाँ पर पाया जाता है भाई, दुनिया में यूरेशिया। स्टूडेंट, दो वर्ड से मिलकर बना है, यूरोप और एशिया। यूरोप और एशिया को मिलाकर, या आप ये कह सकते हैं कि यूरोप और एशिया की वो बॉर्डर जो दोनों की कॉमन है, उस वाले इलाके को, उस वाले रीजन को हम यूरेशिया कहते हैं। उसके अलावा हमारे पास अमेरिका एंड कनाडा, इन इलाकों में ये जंगलात पाए जाते हैं। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि आपके इन पैराग्राफ के अंदर एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट होगा जिसको हम बोलते हैं टैगा। स्टूडेंट, टैगा क्या है? टैगा को समझने के लिए आपको यहाँ पे ये अर्थ की डायग्राम को देखना पड़ेगा। मेरे पास जब भी अर्थ को देखते हैं, प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि इसकी सेंटर वाली लाइन, इसको इक्वेटर कहते हैं, ये 0 डिग्री पर है। जो ही हम इक्वेटर से नॉर्थ पोल की तरफ जाते हैं ना, तो नॉर्थ पोल ये वाला जो है, इससे पहले वाला जितना भी रीजन आता है उस रीजन को हम बोलते हैं टैगा। और स्टूडेंट, आपको मैं ये भी बता दूं कि जो जो इक्वेटर से आप हटते हैं, आप नॉर्थ पोल की तरफ जाएं या साउथ पोल की तरफ जाएं, तो टेम्परेचर कम होता जाता है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे इतना कम टेम्परेचर होता है कि हमारे पास माइनस में होता है वहाँ पर टेम्परेचर, -40-50। तो यहाँ पे जो चीज़ आपके साथ मैं डिस्कस कर रहा था, जो चीज़ मैं आपको बता रहा था, वो ये थी कि भाई नॉर्थ पोल से जो पहले वाला इलाका है उसको हम बोलते हैं टैगा, ठीक है। क्योंकि टैगा के अंदर दुनिया में बहुत से कोनीफेरस
फॉरेस्ट जो है वो टैगा में पाए जाते हैं। अब एक बात है कि टैगा तो भाई नॉर्थ पोल के नज़दीक है, इक्वेटर से बहुत दूर है, तो दूर है तो इसका मतलब है वहाँ की कंडीशन बहुत हार्श होगी, वहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम होगा, पानी बहुत कम होगा, प्लांट्स को ग्रो करने के लिए बहुत कम टाइम मिलेगा। तो वहाँ पे फिर क्या होता है कि वहाँ पे प्लांट को लग्जरियस ग्रोथ करने के लिए बहुत कम ड्यूरेशन मिलता है। गर्मियों में जाके वो थोड़ा सा साल में 1 माह 1.5 माह होगा जब थोड़ा सा टेम्परेचर वहाँ पे नॉर्मल होगा, और उस दौरान वो वहाँ पे ग्रो करेंगे। उसके अलावा सारा साल वहाँ पे बर्फबारी होती रहती है जिसकी वजह से वो हार्श कंडीशन होती है, एनिमल्स सॉरी प्लांट जो है वो वहाँ पे प्रॉपर ग्रो नहीं कर सकते, कोनीफेरस प्लांट जो है वो वहाँ पे ग्रो नहीं करेंगे। अब एक चीज़ और याद रखिएगा कि उन इलाकों में ना एवरग्रीन प्लांट पाए जाते हैं, ऐसे प्लांट जो सारा साल गर्म रहते हैं, सॉरी ऐसे प्लांट जो सारा साल ग्रीन रहते हैं, जिनके पत्ते झड़ते नहीं हैं, जिनके पत्ते परमानेंटली अटैच रहते हैं, एवरग्रीन प्लांट उनको हम कहते हैं। और उनकी एक और चीज़ बता दूँ, उनके लीफ के ऊपर वैक्सी लेयर होती है और लीफ नीडल की तरह के होते हैं, क्योंकि वैक्सी लेयर का काम होता है वाटर को इवेपोरेशन से बचाना और पानी की कॉन्सनट्रेशन को कॉम्पनसेट करना, वाटर की कैपेबिलिटी को कैपेसिटी को मेनटेन करके रखना, स्टोर करके रखना, ये होता है उस वैक्सी क्यूटिकल लेयर का। और इस तरह उसके लीफ भी नीडल की तरह के होंगे, जितना सरफेस एरिया कम होगा उतनी ही वाटर की इवेपोरेशन भी कम होगी। लेडीज स्टूडेंट, रीजन तो मैंने बता दिए, अब रीजन के साथ ना एक चीज़ आपको और मैं बता दूं कि हमारे पास जब भी हम बात करते हैं ना कोनीफिरस फॉरेस्ट की, तो कोनीफिरस फॉरेस्ट को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, कोनीफिरस अल्पाइन एंड कोनीफिरस बोरियल फॉरेस्ट। अब मैं आपको बता दूं कि अल्पाइन और बोरियल फॉरेस्ट में क्या फ़र्क होता है। भाई देखें मेरी बात सुने, सॉरी बात यह है कि मुझे एक तो टेम्परेचर भी है, दूसरा ज़ुकाम भी है, जिसकी वजह से फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको लेक्चर प्रोवाइड किए जाए, तो वो मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब भी हूँ, इसलिए आप ज़रा इसको थोड़ा सा ऑब्ज़र्व कीजिएगा। अच्छा, तो सबसे पहली बात यह है, मैं आपको ये बताऊँ कि आप ना सी लेवल, जो जो सी लेवल से आप हाइट की तरफ जाते हैं तो इसको बोलते हैं आल्टीट्यूड, ठीक है, मीन के जो जो पहाड़ों की ऊंचाई की तरफ जाते हैं तो उसको बोलते हैं आल्टीट्यूड। और लैटीट्यूड क्या होता है, ये जो आपका इक्वेटर है ना, जो जो आप इक्वेटर से दूर जाते हैं, ये देखें मतलब आगे आगे ये इक्वेटर है ना, इक्वेटर से आप दूर जाते जा रहे हैं, जो जो आप इक्वेटर से दूर जाते जाएंगे इसको बोलते हैं लैटीट्यूड। ठीक है, एक वर्ड मैंने बता दिया आल्टीट्यूड और दूसरा बता दिया लैटीट्यूड। और यहाँ पे आपको बताऊँ, ऐसे कोनीफिरस जंगलात जो हाई आल्टीट्यूड हाई ऊंचाई पे पाए जाए उनको बोलते हैं अल्पाइन, और ऐसे कोनीफिरस जंगलात जो इक्वेटर से दूर पाए जाए उसको बोलते हैं बोरियल। ठीक है, इक्वेटर से दूर जाना लैटीट्यूड है ना, तो जो हाई लैटीट्यूड पे पाए जाते हैं उसको बोलते हैं बोरियल फॉरेस्ट। तो याद रखिएगा, हाई आल्टीट्यूड पे पाए जाने वाले कोनीफिरस को बोलते हैं कोनीफिरस अल्पाइन फॉरेस्ट, और हाई लैटीट्यूड पे पाए जाने वाले जंगलात को बोलते हैं कोनीफिरस बोरियल फॉरेस्ट। ठीक है, तो ये हमारे पास इंट्रोडक्शन था। इंट्रोडक्शन के बाद वहाँ पर अगर हम स्नो को देखें ना, तो स्टूडेंट वहाँ पर ना मैक्सिमम टेम्परेचर 10 होता है, 10 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर इन इलाकों का नहीं है, 10 डिग्री से टेम्परेचर कम होता है, और बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा होती है सर्दियों में। ये पाकिस्तान में आप अभी देख लें, सवात में बर्फ़बारी हो रही है, कगान में हो रही है, दीर में, चलास में, मालम जबा, तमाम इलाकों में भी स्नोफॉल हो रही है। तो हमारे पास उन इलाकों में एक तो स्नो फॉलिंग होती है, दूसरे नंबर पर टेम्परेचर बहुत कम है, तीसरा जो है कि वहाँ के एनिमल्स और प्लांट का क्या सिस्टम होगा, उनकी क्या कंडीशन होगी, वो कैसे ग्रो करेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट पहले ही लाइन में मैंने एक छोटा सा वर्ड लिखा है हार्श क्लाइमेट, उन इलाकों का क्लाइमेट बड़ा हार्श है, हार्श होने की वजह से वहाँ पे जितने भी एनिमल्स हैं ना वो भी बड़े ही स्ट्रांग होंगे, वहाँ पे जितने भी प्लांट होंगे वो भी बहुत स्ट्रांग होंगे। जैसा कि यहाँ के यहाँ पर मैंने कुछ एनिमल्स को लिखा है, बाइसन, वॉल्फ, डियर, मार्कोपोलो शीप, वॉल्वोराइन, क्रॉस बेल बर्ड्स। इसके अलावा आपकी बुक में दो चार और भी हैं जो कॉमन है, जिनको मैंने नहीं लिखा,
और अगली बात कि आपकी बुक में फॉर एग्जाम्पल 10 लिखे हुए हैं, तो इसका मतलब है उन इलाकों में 10 नहीं है, उन इलाकों में बेशुमार हैं। यहाँ पे जस्ट वो लिखे हैं जो ज़्यादा ज़्यादा तादाद में है, या आप कह सकते हैं ज़्यादा प्रोमिनेंट है या कॉमन है, ठीक है, वो लिखे हैं, या यूनिक जो कह सकते हैं इस स्पेशल फॉरेस्ट के जो एनिमल्स हैं वो लिखे हुए हैं, ठीक है। उसके अलावा स्टूडेंट वहाँ पे फिर प्लांट को भी देखना पड़ेगा, एनिमल्स के साथ हम प्लांट को भी देख लेते हैं। जब भी प्लांट को देखते हैं ना, तो पहले नंबर पे पी डब्ल्यू लिखा है पाइनस वेलिचियाना, उसके बाद है पाइनस वेलिचियाना के बाद दूसरा है पाइनस रॉक्स बर्जी, पी मीन पाइनस, आर मीन रॉक्स बर्जी, एबिस पिंड्रो, पाइसिया स्माइथियाना, सीडरस द्यूदारा, पांच प्लांट मैंने नेम लिखी है, ठीक है। जस्ट मैंने पहला पहला वर्ड वहां पे लिखा हुआ है, बाकी आपने इनको मेमोराइज करना है। मैं ये देखें, आपको ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, राइट द फोर प्लांट नेम दैट प्रेजेंट इन कोनिफेरस अल्पाइन या बोरियल फॉरेस्ट, तो आपको पता हो कि भाई पाइनस वेलिचियाना है, पाइनस रॉक्स बर्जी है, एबिस पिंड्रो है, पाइसिया स्माइथियाना है, सीडरस द्यूदारा है, ये आपको इनका पता हो। उसके बाद वहाँ पे एक आपको एनिमल्स एंड प्लांट के बाद अगली बात है कि वहाँ का ह्यूमन इम्पैक्ट जो है वो क्या है, इंसान के इस जंगलात पे क्या असर होंगे, क्योंकि मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि भाई होमो सैपियंस एक ऐसे स्पीशीज है जिसने हर जगह पे, वर्ल्ड पे हर जगह पे जाके इसने जो है उसमें पार्टिसिपेट किया है, और उसके अलावा उसको मतलब कि तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन एक चीज़ आपको बताऊं, पहले ही मैंने बता दिया कि ये जंगलात एक तो हाई आल्टीट्यूड पे हैं, दूसरा हाई लैटीट्यूड पे हैं, ठीक है। इसका मतलब है हाई आल्टीट्यूड और हाई लैटीट्यूड की वजह से वहाँ का क्लाइमेट बहुत सवेर होता है, बर्फबारी होती है, टेम्परेचर कम है, बर्फ ज़्यादा है, तो ज़्यादा होने की वजह से इंसान ने ज़्यादातर उसको डिस्टर्ब नहीं किया, ये एरिया अभी अनडिस्टर्ब्ड है। लेकिन फिर भी क्या है कि इंसान ने वहाँ की लकड़ी, क्योंकि इस इलाके की लकड़ी बड़ी मशहूर है, जिस तरह मैंने एक वर्ड लिखा था सीडरस द्योदारा, द्यार की लकड़ी, पाकिस्तान में ये हमारा नेशनल प्लांट है, इसकी लकड़ी जो है ये बहुत अच्छी है, क्योंकि इसको इंसेक्ट जो लकड़ी को काटता नहीं है, जो हम टर्माइट्स दीमक की बात करते हैं वो भी इसको खाती नहीं है इस लकड़ी को, तो ल्यूमर के लिए हम इस लकड़ी को काट रहे हैं। और वर्ल्ड में बहुत से ऐसे जंगलात हैं कोनिफेरस जिनको इंसानों ने काटा अपनी एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए, ल्यूमर के लिए, अपने हाउसिंग स्कीम के लिए, लेकिन स्टूडेंट क्या है कि अब दोबारा से इसको हम रिकल्टीवेट कर रहे हैं, आप ये कह सकते हैं कि दोबारा से हम रिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम इन जंगलात को दोबारा से आबाद करें। तो ये मेरे पास एक छोटा सा एक टॉपिक था, कोनिफेरस अल्पाइन एंड बोरियल फॉरेस्ट, और मैक्सिमम मैंने कोशिश की कि तमाम चीज़ें इसमें समराइज़ करके आपको समझाऊं, तो बहुत आसान सा टॉपिक है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट, आज के लिए थैंक यू।